हाई एवरी वन दिस इज डॉक्टर क्रू पसाउडा एंड अवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिलीजियन विच कम्स अंडर द ब्रॉड हैंडल ऑफ आइडेंटिफिकेशन और पर्सनल आइडेंटिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलीजियन इज एसेंशियल डाटा फॉर पार्शियल आइडेंटिफिकेशन सो पार्शियल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिलीजियन है वो बहुत ही एसेंशियल डाटा है बिकॉज ईच एंड एवरी रिलीजियन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट कस्टम्स क्लोथिंग

सो so, जो हिंदू पुरुष होते हैं उनका खतना जो है वो नहीं किया जाता है और उन्हें पवित्र धागा लकड़ी के मोतियों का हार माथे पर अपनी जाति के निशान सिर के पीछे बालों का एक गुच्छा और कानों में छेद करना पड़ सकता है मुस्लिम मेल्स यूजली आर सरकमसाइज एंड है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नीस एंड फीट ड्यू टू देर पोस्टर ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम जो पुरुष होते हैं वो आमतौर पर उसका खतना जो है वो किया जाता है और प्रार्थना के दौरान उनकी मुद्रा के कारण घुटनों और पैरों के जो पार्श्व पहलू होते हैं जो पार्श्व भाग होता है उस पर कौन से तो फिर केलोसिटी के निशान होते हैं नेक्स्ट देखेंगे हिंदू फीमेल्स दे पुट ऑन सारिज वर्मिलियोन ऑन द हेड सिल्वर टो ऑर्नामेंट्स इन दोस्ट विदेल जो हिंदू महिलाएं होती है वो जनरली साड़ी पहनती है सिर पर सिंदूर होता है चांदी के आभूषण होते हैं टेटू के निशान होते हैं बाई जो नासिका होती है उसमें नाक की अंगूठी का छिद्र भी देखने को मिलता है और हेलिक्स के साथ बालियों के लिए कुछ खुले स्थान भी रखती है मुस्लिम फीमेल्स पुट ऑन ट्राउजर्स नो मर्विल मार्क नो रिंग इन द सेप्टम सेवरल ओपनिंग्स ऑन द हेलिक्स फॉर इयर एंड नो टेटू मार्क्स यहाँ पे जो मुस्लिम महिलाएं होती है वो जनरली ट्राउजर्स पहनती है कोई सिंदूर का निशान नहीं होता है सेप्टम में नाकी अंगूठी बालियों के लिए हेलिक्स पर कई खुले स्थान होता है और यहाँ पे टेटू मार्क्स भी नहीं होते हैं सो दिज आर द डिफर बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट रिलीजियन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल क्लिक बेल आईकॉन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग्स योर फ्रेंड्स थैंक यू